कोमल साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। शादी के बाद भी कोमल की साईं भक्ति में कोई कमी नहीं आई। लेकिन कोमल के ससुराल में पति कमलेश और सास को कोमल के इस भक्ति भाव से तकलीफ होती है। कोमल सबको समझा बुझा कर घर का काम करते हुए भी साईं भजन गाती है और समय निकाल कर साईं बाबा का चित्र भी बनाती है। कोमल एक अच्छी चित्रकार भी है। पति कमलेश का व्यापार आजकल घाटे में चल रहा है और वो इस नुकसान के लिए कोमल को जिम्मेदार ठहराता है। कोमल, तुम्हारे मनहूस कदम जब से घर में पड़े हैं, मेरा तो पंटाधार हो गया है। शादी के पहले क्या आप टाटा बिरला थे? मुझे मनहूस क्यों कह रहे हैं? बहुत जबान चलने लगी है। अगर तुम मनहूस नहीं हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। अपने साईं बाबा से कहो वो तुम्हारे पति के कारोबार को दिन दुना रात चौगना कर दे। हम साईं बाबा से प्रार्थना करेंगे। मैं एक नई मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अगर आज सफलता नहीं मिली तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। समझ लो ये तुम्हारे साईं बाबा की परीक्षा है। कमलेश चला जाता है। कोमल साईं बाबा का चित्र बनाते हुए उनका भजन गाती है और प्रार्थना करती है। समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कोमल की सास गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ आती है और कोमल ने जो साईं बाबा का चित्र बनाया है उस पर पानी डाल देती है। कोमल अपनी सास के इस व्यवहार से हैरान होती है। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? तुम और तुम्हारे साईं बाबा इसी लायक हैं। आप मेरे साईं बाबा का अपमान कर रही हैं। तुम भी तो मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर रही हो। उसने अभी मुझसे फोन पर कहा है कि कोमल को घर से निकाल दो। क्या? हाँ, उसकी आज की मीटिंग भी असफल रही। चल निकल जा इस घर से। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। सास कोमल की एक बात नहीं सुनती और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और साईं का वो चित्र जिस पर उसने पानी डाला था उसे भी बाहर फेंक देती है। मेरे घर में अब तुम्हारी और साईं बाबा दोनों की जगह नहीं है। सास कोमल को घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। कोमल साईं बाबा का चित्र अपने सीने से लगाकर रोती हुई वहाँ से जाती है और मन ही मन साईं बाबा से प्रार्थना करती है। साईं बाबा, अब आप ही मेरा सहारा हो। मेरे पति और सास ने आपका अपमान किया है। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं आपकी भक्ति करते हुए जीवन से संघर्ष करूं और कुछ बन कर दिखाऊं। कोमल भावुक होकर अपनी धुन में साईं भजन गाते हुए चली जाती है। कमलेश अपने घर आता है और कोमल को वहाँ ना पाकर खुश होता है। आपने अच्छा किया माँ, जो उस मनहूस को घर से निकाल दिया। हाँ, बहू का मनहूस साया घर से निकल गया है। अब देखना तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। कोमल से मैंने शादी इसलिए की थी कि ससुराल से कुछ मदद मिल जाएगी। हाँ बेटा, जो हुआ उसे जाने दो और कल से अपने नए जीवन की शुरुआत करो। माँ, कल से हम एक नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। मुझे अपना आशीर्वाद दो माँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नया दिन कोमल की जिंदगी में नई शुरुआत लेकर आता है। वो एक किराए का घर लेकर अकेली रहने लगती है और चित्रकारी को जीवन का लक्ष्य बनाकर वो साईं बाबा का एक आकर्षक चित्र बनाती है। कोमल को मनहूस कहने वाले कमलेश के घर बैंक का नोटिस आता है जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। कमलेश अपनी माँ के साथ इसी विषय पर चर्चा करता है। माँ, ये बैंक का नोटिस है। इसमें क्या लिखा है? हमने कारोबार के लिए अपना घर गिरवी रखकर बैंक से जो लोन लिया था उसे चुका नहीं पाए, इसलिए वो हमारा घर हमसे छीन लेंगे। मतलब हम सड़क पर आ जाएंगे? हमारे पास तो किराए के घर के लिए भी पैसे नहीं हैं। हाँ माँ, मेरी दुकान पर पहले से ही ताला लगा है और अब घर पर भी बैंक का ताला लग जाएगा। पता नहीं किस्मत हमें कहाँ ले जाएगी। उस कोमल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये सारा विनाश उसी के कारण हुआ है। कमलेश और उसकी माँ अभी भी कोमल को बुरा भला कहना नहीं छोड़ते। वो दोनों जी भर के कोमल को कोसते हैं। कोमल साईं बाबा की जीवन लीला के सभी चित्र बनाती हैं। तभी उसे लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता की जानकारी मिलती है। कोमल उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और साईं बाबा के चित्र वहां भेजती है। साईं बाबा की कृपा चमत्कार बनकर कोमल का साथ देती है और कोमल उस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करती है। कोमल को इनाम के तौर पर
5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कोमल इस इनाम को पाकर साईं बाबा की मूर्ति के सामने उनको धन्यवाद कहती है। साईं बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। मैंने आपके आशीर्वाद से प्रतियोगिता जीत ली है। ये सब आपका चमत्कार है। साईं बाबा आपकी जय हो। कोमल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने के बाद एक मशहूर चित्रकार बन जाती है। बड़े बड़े शहरों में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगती है। वो अपने चित्रों के साथ साईं बाबा के चमत्कार और उनकी लीला का प्रचार प्रसार करती है। कोमल को अब शोहरत के साथ दौलत भी मिलने लगती है। कमलेश अपनी माँ के साथ घर से बेघर होकर दर दर की ठोकर खा रहा है। दोनों फटे कपड़े और भूख से बेहाल एक वड़ा पाव के ढेले पर आते हैं। भैया, 2 वड़ा पाव देना। बेटा, हमारे पास वड़ा पाव के लिए पैसे नहीं है। मैं जानता हूँ माँ, पर क्या करूँ, भूख बहुत जोर से लगी है। पहले वड़ा पाव खा लूँ, फिर इसकी मार भी खा लूंगा। दुकानदार कमलेश को वड़ा पाव देता है और कमलेश एक वड़ा पाव अपनी माँ को देकर खुद भी खाने लगता है। कोमल अब शहर की मशहूर चित्रकार बन जाती है। वो अपने नए बंगले में रहने लगती है। कोमल अब भी साईं भजन गाते हुए साईं के चित्र बनाती है। आज भी वो साईं बाबा का खूबसूरत चित्र बना रही है। तभी उसे किसी फकीर की आवाज सुनाई देती है, जो हारमोनियम के साथ साईं भजन गा रहा है। वो फकीर कोमल के बंगले तक आ जाता है और आवाज लगाता है, साईं के नाम पर कुछ भिक्षा दे दो। कोमल तुरंत दरवाजा खोलती है और सामने देखकर चौंक जाती है। कमलेश और उसकी माँ साईं भजन गाते हुए भीख मांग रहे हैं। कोमल भावुक हो जाती है। कमलेश, तुम? कोमल? कौन कोमल बेटी? आप लोगों की ये कैसी हालत हो गई है? ये हमारे पापों का प्रायश्चित है। हमने साईं बाबा और तुम्हारा बहुत अपमान किया है कोमल। हाँ बहू, हमें सजा मिलनी ही चाहिए। अब हम साईं के नाम पर भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन गुजारेंगे। तुमसे एक विनती है, अगर हो सको तो मुझे माफ कर देना। कोमल भावुक होकर अपने पति और सास को माफ कर देती है और सम्मान के साथ अपने घर में लेकर आती है। कमलेश और उसकी माँ अब साईं के परम भक्त बन जाते हैं। कोमल इस चमत्कार के लिए अपने साईं बाबा को फिर से धन्यवाद कहती है।